बात किसान आंदोलन की कर लेते हैं। किसान आंदोलन का आज 53वां दिन है। थोड़ी ही देर में सिंघू बॉर्डर पर किसानों की एक बड़ी बैठक होने वाली है और अब तक सरकार से 10 दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। 19 जनवरी को फिर से दोपहर 12 बजे किसानों की सरकार के साथ बैठक होनी है और किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च करने वाले हैं। इसके लिए देश के अलग अलग हिस्सों से भारी संख्या में किसानों का जमावड़ा लगना भी शुरू हो चुका है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर बड़ी तादाद में किसान पहुंचने लगे हैं और देखिए इसी बीच किसानों ने यह ऐलान कर दिया है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी। आज सिंघू बॉर्डर पर बहुत ही एक अहम मीटिंग होने वाली है किसान नेताओं का। उसमें ये डिसाइड होगा कि 26 तारीख को जो ट्रैक्टर रैली निकालनी है उसमें कौन कौन शामिल होगा, उसमें कैसे कैसे रूट लिया जाएगा और किसी भी तरीके की मुठभेड़ से उससे कैसे बचा जाएगा। ये सब तब जब केंद्र पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि NIA के द्वारा NIA को इस्तेमाल करके, एनफोर्समेंट एजेंसी को इस्तेमाल करके किसान नेताओं पे और किसान समर्थकों पे एक बहुत बड़ा एक साजिश रचा जा रहा है। किसानों का कहना यह है कि NIA ने 10 ऐसे लोग हैं जो किसान या तो नेता हैं या किसान समर्थक, किसान नेता इन आंदोलन के समर्थक हैं, जिन पे UAPA चार्जेस लगा के उनको आज NIA हेड ऑफिस में बुलाया गया है। तो ये सब होते हुए यहाँ पे ये एक बहुत अहम मीटिंग जहाँ पे सिंघू बॉर्डर पे चल रही शुरू होने वाली है, जिसमें तय होगा कि 26 तारीख को क्या करना है और उसके अलावा कि अब केंद्र से कैसे बात करना है, कमेटी से कैसे बात करना है और मीडिया को इस जो भी NIA रेज और NIA का जो संबंध है उसको लेकर आप उन्हें कैसे ब्रीफ करना है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ आदित्य नायर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो अभी आपने आदित्य नायर की रिपोर्ट देखी और इस वक्त आदित्य मेरे साथ जुड़ चुके हैं, रुक कर लेते हैं उनका। आदित्य, सिंघू बॉर्डर पर एक बड़ी बैठक होने वाली है, माना जा रहा है कि 26 जनवरी को लेकर पूरा ब्लूप्रिंट यहां पर तैयार होगा, लेकिन इसी बीच खबर यह भी आई कि NIA ने खालिस्तान समर्थक होने का आरोप लगाया कुछ किसानों पर और 20 से ज्यादा लोगों को नोटिस भी थमा दिया गया है। हालांकि किसान नेता बलदेव सिंह ने यह साफ कर दिया है कि वो NIA की पेशी में नहीं जाएंगे, उनके सामने पेश नहीं होंगे। अब आज की मीटिंग में आगे क्या कुछ मंथन होगा, आगे की किस तरीके के स्ट्रैटेजी पर किसान काम करने वाले हैं? जी देखिए, एक तो 19 तारीख को जो मीटिंग हो रही है केंद्र और किसानों के बीच में उसके ऊपर बैठक होगी, पर ज्यादा देर के लिए उसके ऊपर बात नहीं होगी क्योंकि किसान नेताओं सबने सोच लिया है कि यस और नो में जवाब मांगना है और उनको पता है कि नो पे जवाब आएगा। उसके अलावा जो 26 तारीख का ट्रैक्टर रैली है, मेन फोकस उनका उस पर रहेगा कि ट्रैक्टर रैली कैसे सक्सेसफुली करें और इस तरीके से करें कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ मुठभेड़ ना हो। और एक जो आप NIA के साथ, NIA ने जो 20 किसान नेता और किसान प्रोटेस्टर्स के समर्थन करने वाले लोगों पे जो केसेस डाले हैं उसको लेकर अब काफी ज्यादा चर्चा होने वाली है कि इनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। इनका जो अब केंद्र पे इस पॉइंट को लेकर एक और सवाल यहाँ पर एड ऑन करना चाहूंगी, क्या 19 जनवरी को किसान सरकार से इस बार बातचीत करने के लिए तैयार है, क्योंकि 10 दौर की बातचीत में कोई हल तो निकला नहीं है? जी देखिए, बातचीत करने के लिए जरूर तैयार है। ये सारे किसान नेताओं ने हमेशा यही कहा है कि वो बातचीत करने के लिए जरूर पहुंचेंगे, पर उनको बातचीत उनकी सिर्फ इस बात पे खत्म हो जाएगी कि वो येस और नो में आंसर मांगेंगे कि क्या किसान कानून वापस लिए जाएंगे या नहीं, और उसका उनको जवाब पहले से ही पता है कि केंद्र इस कानून को वापस नहीं लेगा। बाकी जैसे मैंने आपको बताया, मेन फोकस यही कि क्या मैसेज भेजना है इस बात को लेकर कि NIA के रेड्स चल रहे हैं और 26 तारीख का जो ट्रैक्टर रैली होना है। बिल्कुल आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, किसानों ने यह साफ कर दिया है कि 19 जनवरी को जो मीटिंग होगी उसमें दो जवाब मांगे जाएंगे, या तो यस या तो नो, और अगर सरकार यस और नो में जवाब नहीं देती है तो किसान उनसे बात नहीं करने